हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे DRDO CEPTAM भर्ती 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपका एक ही क्वेश्चन है जो लगातार हमारे पास आ रहा है और वो क्वेश्चन है, सर रिजल्ट कब तक आएगा। हमारा कोई भी वीडियो हो लेकिन आपसे रिगार्डिंग जो है DRDO से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो हमारे सभी एटलीस्ट सभी जितने भी वीडियोज़ हम डाल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली उसमें सभी पे लोग एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर रिजल्ट कभी आएगा, सर रिजल्ट कब तक आएगा DRDO CEPTAM का। तो दोस्तों, आज हमने जो है आपके लिए लेकर आया है ये वीडियो ताकि आज हम आपको अच्छे से बता सकें कि क्या क्या जो है प्रोसेस है और कब तक जो है इसका रिजल्ट आएगा, क्या जनवरी में रिजल्ट आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा अंत तक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो आपके नोटिफिकेशन से हो, चाहे वो आपके सिलेबस से हो, चाहे वो आपसे कट ऑफ से हो, चाहे वो आपके मेरिट लिस्ट से हो, आपके ज्वाइनिंग डेट से लेके, जी हाँ दोस्तों, आपके ज्वाइनिंग डेट तक का, यानी कि नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का हम पूरा प्रोसेस जो है आपको स्मार्ट नौकरी चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर्स के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, यानी अगर आपको लगता है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए तो हम आपके जो है क्वेश्चंस को मेंशन करते हैं और उसके ऊपर जो है फोकस करके जो है एक वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे से आज के टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये दोस्तों, DRDO CEPTAM की जो भर्ती है, यानी कि ANA वाला मैं बता रहा हूँ आपको, एडमिन वाला, तो जो इसका रिजल्ट है, जी हाँ दोस्तों, इसका रिजल्ट को लेके काफ़ी लोग जो है डिस्टर्ब हैं। डिस्टर्ब इसलिए हैं कि परेशान हैं कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, क्या इसके प्रोसेस हैं, कितना समय और लग सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये बता दूं कि लास्ट ऑफ द मंथ, जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो लास्ट ऑफ द मंथ नवंबर था वहाँ तक तो कोई अपडेट नहीं आई, और जनवरी जो है फर्स्ट वीक चल रहा है, दिसंबर का जो फर्स्ट वीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी जो भी आप वेबसाइट खोलते हैं, चाहे गूगल हो, चाहे कोई भी किसी की पर्सनल वेबसाइट हो, चाहे आर्टिकल्स आप खोलते हैं, सब जगह एक ही चीज़ आ रहा है और वो है कि जनवरी एक्सपेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, जनवरी एक्सपेक्टेड है, यही लोग जो है हर वेबसाइट पे आपको बता रहा है, कैलकुलेशन यही निकल रहा है, चाहे वो हमारा ही चैनल क्यों ना, बाकी के भी चैनल्स पे देखिए यही एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्या वाकई जनवरी में रिजल्ट आएगा? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हमने जो है इसके लिए जो है काफ़ी जो है आर्टिकल्स को रीड किया, एनालिसिस किया, पढ़ा और अच्छे से जो है हमने बातें भी की हैं, जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट्स के ऑनरों से जो भी हमारे से हो सका है, हमने उनसे बात की कि सर आपको कहाँ से ये मतलब सोर्स मिल रहा है, कहाँ से आपने जो है कलेक्ट किया है डेटा, और जो हमारे डेटा कलेक्ट होते हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स कलेक्ट करके लाते हैं, जो हमारे जो कुछ लोग हैं जो सरकारी नौकरी में, उनसे पूछते हैं हम जब उनसे, तो सब कुछ जब हमारे पास डेटा एनालिसिस होने के बाद जो हमारे पास कंक्लूजन निकला वो ये है कि जी हाँ दोस्तों, ये बात श्योर है 100% कि आपका रिजल्ट जो है जनवरी में ही आएगा ANA का। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जनवरी में आपका रिजल्ट जो है किसी भी तारीख को आ सकता है, लेकिन इसका आंसर की का प्रोसेस जो है वो दिसंबर मंथ में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर की आपका दिसंबर में आएगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो आपका जनवरी में आएगा, और ये बात हमने जो है काफ़ी जो है लोगों से कंफर्म करने के बाद आपके लिए वीडियो बनाया दोस्तों। तो आप इस बात की श्योरिटी लीजिए, जब भी रिजल्ट आएगा हम आपके लिए सबसे पहला वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों, एक्सपेक्टेड डेट है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। जी हाँ दोस्तों, नए साल की शुरुआत होगी आपकी और नया जो है आपका रिजल्ट आएगा DRDO CEPTAM का, जो आपके जीवन में खुशियां भर देगा दोस्तों। और दोस्तों, आपको जो है कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही कोई भी ऑफिशियली अपडेट आती है आप स्मार्ट नौकरी चैनल के साथ बने रहिएगा, हम आपके लिए सीधा नोटिफिकेशन की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे, बट कुछ भी डाउट्स अगर लगता है आपको अभी भी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने क्वेश्चंस रखिए और हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और दोस्तों, जिनको भी कुछ भी हमसे इश्यूज हैं, यानी काफ़ी लोग देखते हैं कुछ बैड कमेंट्स करते हैं, वो डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं, पर्सनली वहाँ पर भी हो सकते हैं, पब्लिक में आप जो कहते हैं, काफ़ी लोग जो अच्छे हैं उनको भी बुरा लगता है कि सर ऐसा ऐसा आपको कहते हैं कुछ, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, ऑलरेडी काम करते हैं, उसके बाद जो अपना समय मिलता है तो वो हम आपके लिए जो है लेकर आते हैं कुछ वीडियोस, ताकि आपका भी सोच भला हो सके। तो दोस्तों, इसलिए हम ये प्रोसेस करते हैं, ये सब काम करते हैं, हम ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं। अगर आप लोगों से किसी को ज़्यादा डाउट्स हैं आप हमसे डायरेक्टली मेल कीजिए, हम आपको वहाँ पे अपना जो है आईडी कार्ड भी आपको दिखा देते हैं। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं फालतू वगैरह कि व्यूज़ पाने के लिए, नहीं दोस्तों, हम लाते हैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं, मैं भी कभी पढ़ता था, एक समय था जब जॉब नहीं था, से 4 साल 5 साल पहले, तो मैं भी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखता था कब से एक्सपेक्टेड होता है, काफ़ी लोग जो है कितने इमोशन के साथ जो जुड़े होते हैं किसी भी एग्जाम्स को लेकर, जो बच्चे काफ़ी सीरियसली तैयारी करते हैं, तो हम किसी के साथ भावना के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करते, कोशिश करते हैं 101% जो है जितनी भी सच्चाई हो सके वही आपके लिए प्रोवाइड करने। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।